किया है और हम क्या करेंगे, 6 पे जिसका जिन कस्टमर का कार्ड ब्लॉक हुआ है, जब कार्ड डालते हैं और उसे विदिन टाइम उसको बाहर नहीं निकाला तो मशीन के अंदर कार्ड चला जाता है, तो कार्ड से अंदर कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हम 6 एंटर करके उस कार्ड को, कार्ड कैप्चर्ड 00 दिखा रहा है, लास्ट क्लियर डेट भी दिखा रहा है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे, वो तो क्लियर तो कैंसिल, फिर 4 पे प्रेस करेंगे, हम कैश जितना भी अंदर है उसको भी क्लियर करेंगे, 0 कर देंगे एटीएम की जो अंदर की कैश है उसको भी हम 5 प्रेस करके क्लियर कैश कर देंगे। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, ये चारों 00 हो गए, बिकॉज हम इसको फिर रिप्लेनिशमेंट करने वाले हैं, 4 में फिर जाके हम 8 प्रेस करके ऐड कैश, 8 में जो लिखा है उसको ऐड कैश करेंगे 8 में। अब जिस तरह से ये आ गया है, कैसेट एक है, रिजेक्टेड एक, रिमेनिंग एक, डिस्पेंस और टोटल, अब यहां पे सब 0 दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, टाइप 2 में कितने नोट्स हैं वो हम आपको इसमें एंटर करेंगे, जैसे कि पहले नोट्स थे हमारे 500 के, उसको हम एंटर करेंगे 406। ये यहाँ पे आ गया, कैसेट में 406, रिमेनिंग में 406 और टोटल 406 है। उसके बाद हमने टाइप 3 में मतलब 500 में भी कुछ नोट्स ऐड किए थे, उसके लिए हम प्रेस करेंगे 3 500 के लिए, फिर एंटर करेंगे, फिर हमने 1.5 लाख रुपए पहले हमने इंसर्ट किए मतलब नए नोट्स कैश लोडिंग के लिए, और पहला एक 500 का पैकेट था और कुछ रिमेनिंग नोट्स थे, टोटल कितना था, टोटल 150 थे, अभी ये हम 300 ऐड करेंगे नोट्स, तो टोटल कितना, 450 नोट हमने इसमें एंटर कर दिए, ठीक है। अब टाइप 2 में और टाइप 3 में सिर्फ हमारे इसमें अंदर में लोड कैश लोड है, तभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 2000 के नोट्स क्यों नहीं आए, 100 के नोट्स कुछ नहीं आए, कभी कभी एटीएम में वो कैश लोड नहीं किया जा सकता है या नहीं होता, इसलिए अब हम फिर और उसका प्रिंट निकालेंगे, 4 काउंटर निकालेंगे कि हमने कितना कैश लोड किया है उसके लिए। अब देखो इसमें आपको दिखेगा कि 406 है और इसमें 450 है, ये हो गया। इसके बाद हम टेस्ट कैश करेंगे, ये जो 10 नंबर का ऑप्शन है जो हमने कैश लोड किया है उस कैसेट्स में, वो कैसेट्स अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं, वो कैश डिस्पेंस कर सकते हैं या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम 10 को प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये कैश काउंट करेगा और यहाँ पे एक मैसेज देगा कि कैश लोड हुआ है या नहीं। अब हम चेक करेंगे कैश कौन से कैसेट में है और कौन से कैसेट में कैश लोड हुआ है। अब यहाँ पे मैसेज आएगा टाइप 2 वाला जो कैसेट था हमारा और टाइप 3 वाला कि गुड करके आएगा, टाइप 2 वाला मैसेज गुड कैसेट और टाइप 3 वाला गुड, सेकेंड कैसेट गुड, थर्ड कैसेट गुड और फोर्थ और फर्स्ट में हमने कैश नहीं भरा था तो उसका स्टेटस नहीं आएगा, वो हमने बाहर करके निकाला था तो हमारे लिए ओके है, तो हम इसको इस डोर को हम लॉक कर देंगे पहले और इसको क्लोज कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे और 9 एग्जिट जो होता है उसको बंद करेंगे और 7 जो होता है डायग्नोस्टिक, कुछ सेम डायग्नोस्टिक करना है, कुछ एटीएम में प्रॉब्लम्स आता है और उसको 7 को प्रेस करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि कैश कैसे लोड कर रहे हैं, वो जो दूसरा है डायग्नोस्टिक कैसे किया जा सकता है एटीएम को, सेल्फ डायग्नोस्टिक, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, अभी तो हम 9 को एग्जिट करेंगे, तो ये जैसे ही 9 एग्जिट करेंगे तो ये एटीएम स्टार्ट हो जाएगा ठीक तरह से और इस तरह से कैश लोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब वेरी मच, थैंक यू।